हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ऑटोकैड ट्यूटोरियल के लिए। आज हम ऑटोकैड के बारे में समझेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि ऑटोकैड क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ है, अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड का, इन सब के बारे में आज समझने वाले हैं हम लोग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, ये ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन वीडियो का पहला लेक्चर है। अगर आपको सेकेंड लेक्चर देखना है तो आप यहाँ से आप इस आई बटन पे क्लिक करके आप सेकेंड लेक्चर देख सकते हो। और अगर आपको देखना है कि हमने सिलेबस कौन कौन सा कवर करना है तो भी आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस सिलेबस का वीडियो आप देख सकते हो, जो कि मैंने इससे पहले मैंने अपलोड किया था, उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर फर्स्ट। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड कमर्शियल कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसे लोग CAD या फिर CADD भी बोलते हैं, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग एंड कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। ऑटोकैड जब पहली बार रिलीज हुआ था दिसंबर 1982 में डेस्कटॉप ऐप के लिए, ओके। लेकिन इससे पहले जो है एक सॉफ्टवेयर चल रहा था इंट्रैक्ट कैड के नाम से, जो कि वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1977 में, 1977 में स्टार्ट हुआ था और रिलीज किया गया था 1979 में, जिसका नाम था इंट्रैक्ट कैड, ओके। 2010 से ऑटोकैड जो है रिलीज हुआ मोबाइल ऐप के लिए, मतलब मोबाइल ऐप पे भी आप वर्क कर सकते हो ऑटोकैड से। और वेब ऐप का मतलब हुआ कि आप ऑनलाइन कहीं से इसको यूज कर सकते हो। ये ऐप जो है मोबाइल ऐप और वेब ऐप, ये दोनों ऑटोकैड 360 के थ्रू मार्केटिंग किया जाता है इसका। ऑटोकैड का यूज जो है काफी ज्यादा जगह पे यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है, इसलिए ऑटोकैड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इंडस्ट्री में यूज होता है, लोग आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं वो यूज करते हैं, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर, टाउन प्लानर में यूज किया जाता है और बहुत लोग इसको यूज करते हैं। सो ऑटोकैड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसे आपको जरूर सीखना चाहिए। तो ये कुछ पिक्चर है जो ऑटोकैड से पहले का है, जब ऑटोकैड नहीं था, नहीं यूज में आता था, तो लोग कैसे और ड्राइंग कैसे करते थे। तो ये पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे बड़े बड़े टेबल पे ये ड्राफ्टर वगैरह सेट किया हुआ है। आप देख रहे हो ये चीज, ये ड्राफ्टर सेट किया हुआ है। तो इस तरह से पहले वर्क होता था। और आजकल क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर रखो, उस पर आराम से बैठ के इजिली आप ड्राइंग कर सकते हो। हम समझते हैं कि ऑटोकैड क्यों सीखना चाहिए। तो ऑटोकैड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ऑटोकैड जो है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है। और ये जो है ब्लूप्रिंट तैयार करता है बिल्डिंग के लिए, ब्रिजेस के लिए और कंप्यूटर चिप्स के लिए और बहुत कुछ के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करता है। आप इसे काफ़ी ड्राइंग कर सकते हो, जो कि आप पिछले पिक्चर में आपने देखा था, इस पिक्चर में कि आप देख रहे हो ये सब जो कर रहे हैं वर्क, ड्राफ्टर लगा के काफ़ी ज़्यादा स्पेस यूज़ किया जा रहा है इस पे। इस तरह से जो है ऑटोकैड इसलिए भी यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की, क्या है एडवांटेज ऑटोकैड सीखने में। जैसे स्टोरेज एंड एसेसिबिलिटी, इसको स्टोर करना आसान हो जाता है अगर हम ऑटोकैड यूज करते हैं। जैसे पहले ऑटोकैड यूज नहीं करते थे, पहले हम लोग इस तरह से जब ड्राइंग यूज करते तो इसके जो ड्राइंग का जो शीट्स हैं, ये सारे जो शीट्स हैं, शीट्स को रखने के लिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है,
अगर आपको ध्यान है तो इंजीनियरिंग में इसको आपने जरूर यूज किया होगा, है ना, सीट होल्डर ये है ना, और बड़े बड़े कंपनीज में इस तरह से यूज लोग करते थे, इसमें रखते थे, सीट होल्डर ना होता था। कितना बड़ा स्पेस, वाइडली स्पेस ले रहा है ये, देख रहे हो आप कितना स्पेस ले रहा है ये। हम ऑटो कैड में 3D व्यू भी देख सकते हैं। जनरली जनरली जब हम यूज करते हैं ड्राफ्टर और सीट का तो हम 2D व्यू ही करते हैं, यहाँ पे हम 3D व्यू भी, 3D मॉडल बना के इसको रोटेट करके ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ देख सकते हैं इसमें। रिविजन्स एंड मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हो सीट वाली ड्राइंग में तो आपको वहां पे मिटाना आना होगा, वहां पे फिर बना करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा सा पेपर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है ना, पेपर फट सकता है। बट ऑटो कैड में आप इजिली डिलीट करते हो और इजिली कर सकते हो अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई। ऑटो कैड में अगर आप ड्राइंग करते हो तो आपकी जो ड्राइंग की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा बना सकते हो। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे टूल होते हैं इसमें कॉपी करने के। अगर एक ही ड्राइंग अगर आपको बनाना है, बार बार बनाना है, तो सीट पे आपको बार बार बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटो कैड पे बनाते हो तो इजली एक बनाओ, उसी को कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इजली काफ़ी जल्दी बहुत सारे ड्राइंग इस पे हो जाते हैं। इस तरह से स्पीड पैरी करता है। इसके बाद आते हैं एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी अगर हम ड्राइंग करते हैं तो ये पॉइंट पे भी काम करता है। 0.001 mm की भी लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है पॉइंट में जब वर्क करते हैं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा तो होता ही है, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होता है। एक्यूरेसी इस तरह से भी हम देख सकते हैं, अगर हम सीट पे ड्राइंग करते हैं तो उसमें लाइन कभी ज़्यादा थिक हो जाती है, कभी फिर थिन हो जाती है, लेकिन हम जब ऑटो कैड पे ड्राइंग करते हैं तो लाइन हमेशा एक ही विड्थ की, एक ही थिकनेस की होती है। हम ऑटो कैड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ऑटो कैड का जो फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 1982 में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था ये, और अभी फिलहाल जो है ऑटो कैड का 2019 भी आ चुका है और 20 भी आने वाला है। और जो ऑटो कैड 2019 है ये 33वां मेजर रिलीज ऑटो कैड का प्रोडक्ट है, ऑटो कैड 33वां मेजर रिलीज ऑटो कैड है विंडो के लिए, ऑटो कैड लाइसेंस होता है बट स्टूडेंट के लिए फ्री होता है, 36 मंथ 36 मंथ के लिए ये फ्री होता है, और ये रिन्यूअल लाइसेंस भी होता है जो कि हम जिसका हम लिंक हम इस पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप स्टूडेंट हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फ्री फ्री आप यूज कर सकते हो ऑटो कैड को। बट अब जब स्टूडेंट वर्जन आप करोगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। जब आप प्रिंट करते हो सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सही है, लेकिन जब आप प्रिंट करते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, ये आप देख रहे हो, प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑटोडेस्क स्टूडेंट वर्जन, प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑटो कैड ऑटोडेस्क स्टूडेंट वर्जन, ये उसमें आ जाता है, जो कि जिसे कहते हैं बिट फ्लैग, इंटरनल बिट फ्लैग होता है ये ऑटो कैड का, जो एजुकेशनल वर्जन में होता है, स्टूडेंट वर्जन में होता है, और उसमें ऐसा कुछ आ जाता है प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑटोडेस्क स्टूडेंट वर्जन। और स्टूडेंट वर्जन हम कभी भी कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा वो लिस्ट जो अभी तक ऑटोडेस्क ने ऑटो कैड का जो रिलीज किया है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का ये लिस्ट है। ऑटो कैड फर्स्ट जो था वो पहला वर्जन रिलीज, और ये रिलीज हुआ था दिसंबर 1982 में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।